हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और मेरा नाम है धर्मेंद्र गौड़। आज हम करंट अफेयर में 31 अगस्त 2018 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इम्पॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है ये वीडियो। तो पहला करंट अफेयर क्या है कि एशियाई गेम्स जो चल रहे हैं, 18वीं एशियाई गेम्स जकार्ता इंडोनेशिया में, उनमें जो है कुछ गोल्ड मेडल और जीते हैं इंडिया ने। तो पुरुषों में ट्रिपल जंप में गोल्ड मेडल जीता है अरपिंदर सिंह ने, ठीक है ना। इनको हम एथलेटिक्स भी बोल सकते हैं इस गेम को, कि ट्रिपल जंप में गोल्ड जीता है या एथलेटिक्स में गोल्ड जीता है अरपिंदर सिंह ने। ये किस स्टेट से है? पंजाब से है। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, जो कि अक्सर बनता है, कि अरपिंदर सिंह किस खेल से संबंधित है। तो वहां या तो ट्रिपल जंप होगा, नहीं तो एथलेटिक्स लिखा होगा, ठीक है ना, या ट्रैक एंड फील्ड इस तरह लिखा होगा। तो महिला, अगला है महिला हेप्टेथलॉन में स्वप्ना बर्मन ने जीता है गोल्ड मेडल। तो एक और गोल्ड मेडल हो गया ये। नाम याद रखना है आपको, स्वप्ना बर्मन किससे संबंधित है? हेप्टेथलॉन से या एथलेटिक्स से, ठीक है ना। किस स्टेट से हैं स्वप्ना बर्मन? पंजाब से, सॉरी पश्चिम बंगाल से हैं। स्वप्ना बर्मन पश्चिम बंगाल से हैं, जबकि अरपिंदर जो है पंजाब से हैं। तो स्टेट जरूर याद रखिए, साथ ही साथ उनका खेल भी याद रखिए, ठीक है ना। जो एशियन गेम्स कंप्लीट होने के बाद हम सारे गोल्ड और सारे मेडल जो है, सारे स्पोर्ट्स प्लेयर जिन्होंने कुछ ना कुछ मेडल जीता है, सबको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी गोल्ड ही रहने दीजिए। अगला है अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर। जो अबू धाबी इंटरनेशनल बुक फेयर है वो कौन से नंबर का है? 29वें नंबर का होगा, 2019 में अप्रैल के महीने में होगा। तो उसके लिए जो अतिथि बुलाया जाएगा वो भारत को बुलाया जाएगा, ठीक है ना। अबू धाबी एक्चुअल में क्या है? कैपिटल है यूएई की, यानी संयुक्त अरब अमीरात की, यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी और करेंसी है दिरहम, याद रखिए। और पीएम कौन है यूएई के? वो है मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम। मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम, थोड़ा सा नाम टिपिकल है लेकिन याद आपको रखने की कोशिश कीजिए। अगला है 3 नए जिलों का निर्माण किया गया है, वो भी कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। तो ये काफी महत्वपूर्ण बनेगा कि किस राज्य में अभी हाल ही में 3 नए जिलों का निर्माण किया गया है। तो राज्य याद रखिए अरुणाचल प्रदेश। कौन कौन से जिले हैं ये? इनके नाम अगर आप रख सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं रख पाते तो कोई बात नहीं है, इतना महत्वपूर्ण नहीं बनेगा। लेकिन जो हायर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। कौन कौन से है? पक्के केसांग, लेपारडा, सियोमी। पक्के केसांग, लेपारडा, सियोमी, 3 नए जिलों का निर्माण हो रहा है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश के स्टेटिक फैक्ट देख लेते हैं। कैपिटल है अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर, ठीक है ना। इसका हाईकोर्ट लगता है गुवाहाटी में। तो अरुणाचल प्रदेश का हाईकोर्ट कहाँ है? गुवाहाटी में, लेकिन इसकी ब्रांच जो है वो ईटानगर में लगती है, ठीक है। सीएम कौन है अरुणाचल प्रदेश के? पेमा खांडू। गवर्नर हैं बी डी मिश्रा। और एक फेमस टेम्पल है वहां पर, गोल्डन पगोडा, बौद्ध टेम्पल है, बौद्ध मंदिर है, गोल्डन पगोडा के नाम से है। तो आप याद रखिए अरुणाचल प्रदेश की स्टेटिक फैक्ट्स, ओके। अगला है ओ स्मार्ट योजना। ओ स्मार्ट योजना किससे संबंधित है? पहली बात तो ये है कि महासागर विकास गतिविधियों से संबंधित है। महासागर विकास गतिविधियों की निगरानी हेतु तो इसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसका फुल फॉर्म अगर हम बात करें ओ स्मार्ट का, तो ओशियन सर्विस टेक्नोलॉजी ऑब्जर्वेशन रिसोर्स मॉडलिंग एंड साइंस, ओ स्मार्ट, ठीक है ना। वो क्रम में जरूर ना हो लेकिन वो इसी प्रकार फुल फॉर्म है, आपको याद रखना है। और ये है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा ये जो है वो योजना तैयार की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, ठीक है ना। डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के मिनिस्टर हैं। ये लोकसभा मेंबर हैं, कहाँ से? चांदनी चौक, दिल्ली से। हम ये इनका नाम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं तो याद रखिएगा, ठीक है। अगला देखें इसरो। इसरो की वाणिज्यिक विंग का नाम क्या है? आपको वो बताना है, वो है एंट्रिक्स। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एक तरह से जो है इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बनने वाली है, क्योंकि इसरो से कई क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। मुख्यालय वगैरह ये सब फुल फॉर्म तो ये सबको मालूम है, लेकिन कुछ नया क्वेश्चन ये बनेगा कि इसकी वाणिज्यिक विंग उसका नाम क्या है, वो है एंट्रिक्स, ठीक है ना। मुख्यालय इसका बेंगलुरु कर्नाटक में है। अगला देखें नवलेखा कार्यक्रम। ये लॉन्च किया गया है गूगल के द्वारा और 1 साल तक जो है गूगल जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा, ताकि इंटरनेट पर जो है भारत की जो स्थानीय भाषाएं हैं उनके प्रति लोगों की जागरूकता बढ़े, ठीक है ना। तो कार्यक्रम नवलेखा कार्यक्रम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? गूगल के द्वारा। क्यों लॉन्च किया गया है? भारत स्थानीय भारतीय भाषाओं के प्रचार, उनकी जागरूकता के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट है और आज का लास्ट है AFSPA, एफ्सा, सॉरी एफ्सपा, इसको शॉर्ट में बोलते हैं हम एस्पा,
एस्पा की मियाद 6 माह बढ़ाई गई है, ठीक है ना। इसकी जो अवधि है वो 6 माह बढ़ाई गई है, कहाँ, असम में। एप्सपा जो है वो एक्चुअल में आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, इसका फुल फॉर्म है। ये एक प्रकार का ऐसा जो है अधिनियम है, ऐसा कानून है जिसके द्वारा जो है वो सेना को कुछ विशेष पावर दी गई है, ताकि ऐसे एरिया जहां पर जो है वो कुछ गड़बड़ रहती है या कुछ नक्सली या कुछ आतंकवादी गतिविधियां रहती हैं, तो ऐसी स्थितियों पर जो है वो सेना को विशेष अधिकार दिए गए हैं। ये बेसिकली पूर्वांचल राज्यों में जो 7 सिस्टर्स स्टेट हैं हमारे देश की, उनमें इसको जो है लागू किया जाता है। तो हिंदी में इसका फुल फॉर्म बनेगा सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम या आर्म्ड फोर्सेज स्पेशल पावर एक्ट, एप्सपा, ठीक है ना। असम की स्टेट अफेयर्स देखें, कैपिटल है दिसपुर, सीएम है सर्वानंद सोवाल, गवर्नर है जगदीश मुखी। तो चलिए क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि हमने पढ़ा था यूएई, यूएई की आपको बताना है कैपिटल क्या है और करेंसी क्या है। आपको दोनों जो है वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और अगर आप वहां के पीएम का नाम भी अगर बता सकें, आपको याद हो, तो आप वहां कमेंट बॉक्स में नीचे जरूर बताएं, हमें अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, टेलीग्राम से भी पीडीएफ सारी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम आप जरूर ज्वाइन कर लें, वहां आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहेगा। यूट्यूब पर रेगुलर नोटिफिकेशन नहीं आता है, तो आप टेलीग्राम से जो है हमारे वीडियो जो है क्रम बाई क्रम रेगुलर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, इसी प्रकार कल मिलेंगे। थैंक यू, गुड बाय।